Now the days, your Facebook profile, your Instagram profile, your LinkedIn profile, even your Tinder profile, where you want to show your personality to get people's attention and recognition, all are kind of resume, because your resume also need recruiter attention. But you guys know that how difficult it is to get someone's attention. A recruiter receives hundreds of resumes in a day. And as per data, a recruiter spends only 6 seconds to review your resume. Then how your resume will get a recruiter's attention in this 6 seconds? This is a critical task and you need skills to do this. But no worries. In this video, we will learn how to make a attractive, well-written and informative resume. Ye video ke end tak aapke paas ek attractive resume hoga. Guarantee. So, कीप ए पेपर एंड पेन, बिकॉज ये वीडियो में मैं ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसको यूज करके आप एक अट्रैक्टिव रिज्यूम बना सकते हो. आई एम महेंद्र बिश्वाल एंड दिस इज ए ट्यूटोरियल वीडियो हाउ टू मेक ए अट्रैक्टिव रिज्यूम. सो लेट्स गेट स्टार्ट. लेट्स गो टू वर्ड. मैं वर्ड 2013 यूज़ कर रहा हूँ. अगर आपके पास और कोई वर्जन है सो थोड़ा सा इंटरफेस अलग दिखेगा, बट नो वरीज, ऑलमोस्ट सारे फीचर्स सेम है. देन यहाँ पे मैं रिज्यूम लिखता हूँ. अगर आप अच्छे से देखोगे तो इसके साइड में एंड इसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है एंड मुझे उतना स्पेस नहीं चाहिए, सो उसको मैं रिसाइज कर लेता हूँ. ओके डन. सो नाउ रिज्यूम को मुझे मिडिल पे लाना है एंड इसको बोल्ड करना है और इसका लेटर साइज को भी चेंज करना है. सो मैं इसको 12 कर लेता हूँ. मुझे यहाँ पे रिज्यूम के नीचे एक ब्लैक लाइन चाहिए. सो मैं शेप पे जाके एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. ओके अभी इसको ब्लैक करना है. सो ओके ये ब्लैक हो गया. ये लाइन यू नो स्ट्रेट नहीं है, तो उसको स्ट्रेट करने के लिए मुझे ग्रिड लाइन लाना पड़ेगा. अभी ये ग्रिड लाइन के हिसाब से मैं ये लाइन को स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ. ओके अभी ये हो गया. अभी मुझे ग्रिड लाइन हटाना है. सो नाउ ऐसे ही सेम लाइन मुझे एक नीचे भी चाहिए. सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी एंड इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल वी. अभी के लिए इसको मैं नीचे रहने देता हूँ. उसके बाद मुझे अभी मुझे फ़ोटो लगाना है, तो मैं इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, एंड इसके अंदर से टेक्स्ट डिलीट कर लेता हूँ. नाउ अभी इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ सो दैट इसके अंदर फोटो अच्छे से फिट हो जाए. सो अभी नाउ इंसर्ट में जाके पिक्चर में एक फॉर्मल फोटो. ओके अभी यहाँ पे जो फोटो लगेगा वो आपको एक फॉर्मल फोटो देना है एंड वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए. यही सेगमेंट में आई हैव टू राइट माई नेम, माई कॉन्टैक्ट इन्फो, माई मेल आईडी एंड माई लिंक्डइन प्रोफाइल. लिंक्डइन प्रोफाइल क्यों है? बिकॉज नाउ द डेज इफ रिक्रूटर नीड एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, दे डू विजिट योर लिंक्डइन प्रोफाइल टू चेक. एंड देन सेकेंड, आपका एक डिजिटल प्रोफाइल भी उनके पास रहेगा सो दैट वो कभी भी चेक कर सकते हैं. मुझे एक बॉक्स चाहिए यहाँ पे सो दैट उसमें मैं हेडिंग बना सकूँ. सो मुझे ट्रायंगल बॉक्स मिल गया. देन इसको मैं कुछ हल्का वाला कलर में फिल कर दूँगा सो दैट ज़्यादा हाईलाइटेड ना दिखे. ओके ये कलर सही है. देन इसको अंदर में डबल क्लिक करके करियर ऑब्जेक्टिव लिखने वाला हूँ एज अ हेडिंग. सो ओके मैं एज अ ऑब्जेक्टिव लिखता हूँ. ऑब्जेक्टिव भी सही है. उसको मैं साइड में ले लेता हूँ एंड नीचे सो माई करियर ऑब्जेक्टिव इज़
seeking a position to utilize my skills and abilities in the organization that offers professional growth while being resourceful, innovative and flexible. Willing to work as a key player in a challenging and creative environment. So ये जो मेरा career objective है almost सारे career में fit हो जाता है. So if you want इसको आप direct copy paste भी कर सकते हो. So now the next heading is skills. So now in skills you need to add those skills which are relevant to the job you are applying. मतलब आपको बस वही skill add करनी है जो कि वो job के लिए relevant है. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये जो रिज्यूम बना रहा हूँ वो सेल्स का रिज्यूम है, तो मैं अकॉर्डिंग टू सेल्स जॉब जो जो मेरे पास स्किल्स है वो उसको मैं शो करूँगा. सो दैट क्या होगा, आज स्किल्स मस्ट ऊपर ही है. सो जो जब एचआर फर्स्ट आपके स्किल्स को देखेगा, आप जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो वो स्किल उसमें होगा, तो देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू इज मच हायर देन पुटिंग सम रैंडम स्किल्स इन दिस सेगमेंट. सिमिलरली इफ यू आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड एंड अप्लाइंग फॉर एनी टेक्निकल जॉब, सो अकॉर्डिंग टू दैट जॉब यू हैव टू पुट स्किल्स हियर लाइक जावा, सी प्लस प्लस, एसक्यूएल, SAP, जो भी रिलेवेंट होगा उस जॉब के लिए उस स्किल को वहाँ पे हाईलाइट करना है. ओके, आर थर्ड हेडिंग विल बी वर्क एक्सपीरियंस. तो ये सेगमेंट में इफ़ यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस देन आपके वर्क एक्सपीरियंस को यहाँ पे शो करना है. इफ़ आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, यू आर ए फ्रेशर, सो आप कहीं ना कहीं अगर इंटर्नशिप या कोई प्रोजेक्ट किए हो उसको ये सेगमेंट में शो कर सकते हो. सो फर्स्ट इफ़ यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस जहाँ पे अभी प्रेजेंट काम कर रहे हो सो उसको ही पहले शो करना है. सो यहाँ पे मैं एज अ सेल्स ऑफिसर एट सेंट गोविन इंडिया शो करता हूँ. एंड सेकेंड ड्यूरेशन आपको शो करना है सो दैट रिक्रूटर को आइडिया लगेगा कि कहाँ पे आप कितना टाइम काम किए हो. एंड थर्ड थिंग, अब क्या चीज़ में डील करते हो. आज मैं ये सेल्स प्रोफाइल बना रहा हूँ सो मैं मेरा प्रोडक्ट उसमें डाल दूंगा कि मैं टाइल एडेसिव, वाटरप्रूफिंग, केमिकल्स में डील करता हूँ. एंड इफ़ यू आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड सो आपके जो स्किल्स है जिसके ऊपर काम कर रहे हो उसको यहाँ पे शो कर सकते हो. एंड सिमिलरली इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर बिफोर दिस प्रेजेंट कंपनी तो आप उसको सेकेंड में शो करोगे. सो नेक्स्ट, आपका जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी या आप जो जो काम करते हो आपके डेली बेसिस में तो उसको यहाँ पे शो करना है. ओके, सो नाउ अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे मेरा जो जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड बहुत टेक्स्ट है. जनरली इतना टेक्स्ट कोई भी नहीं पढ़ता है, ये वन काइंड ऑफ बैड इम्प्रेशन है. सो मुझे उसको मिनिमम करना है. तो यहाँ पे मैं फर्स्ट एक पार्ट को सेल्स में डिवाइड कर लिया, सेकंड सर्विसेज को डिवाइड कर लिया, थर्ड एक्टिविटी में डिवाइड कर लिया. फोर्थ न्यू मार्केट डेवलपमेंट में डिवाइड कर लिया. तो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया कि मेरे जितने सारे डिटेल में कुछ भी डिलीट नहीं किया बट उसको बस सेगमेंट में डिवाइड कर लिया. अगर आप इसको देखोगे आपको टेस्ट के साथ साथ आपको एक सेगमेंट भी दिखेगा एंड सेगमेंट वाइज रिक्रूटर उसको नोटिस करेगा. सो ये एक अच्छा ट्रिक है. अगर आपके पास भी इतने सारे टेक्स्ट लिखने को आप ऐसे ऐसे उसको छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हो. Now comes to achievement. In achievement segment, it's a key segment in a resume because whatever you are saying in your work experience, that achievement segment justify that and achievement segment will show your potential to recruiter that you have done your job properly or not. Okay, now comes to academic qualifications.
अगर आप अच्छे से देखोगे तो मैं ये टेबल को एक वेल फॉर्मेटेड टेबल है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में नेम ऑफ द एग्ज़ाम लिखा हूँ, क्या कौन सा एग्ज़ाम में दिया हूँ एंड वो एग्ज़ाम कौन से बोर्ड से हुआ था। थर्ड थिंग, कौन से इंस्टीट्यूट से मैं पास आउट हूँ। फोर्थ, कौन से स्ट्रीम में मैं पढ़ाई किया हूँ एंड फिफ्थ, कौन से ईयर में पास आउट हूँ एंड सिक्स, मेरा परसेंटेज कितने था वो एग्ज़ाम में। सो इसमें सारे के सारे डिटेल आ जाते हैं कंप्लीट। क्योंकि देखो यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग में कभी कभी रिक्रूटर ये चेक करता है कि आपके पढ़ाई में कहीं गैप है कि नहीं है। आप कोई कोई जॉब में कुछ क्राइटेरिया रहता है परसेंटेज का, मिनिमम 50% होना चाहिए। कभी कभी कोई जॉब में साइंस बैकग्राउंड या आर्ट्स बैकग्राउंड या कॉमर्स बैकग्राउंड चाहिए रहता है, तो उसके लिए आपको स्ट्रीम की ज़रूरत है। कभी कभी रिक्रूटर चेक भी करता है कि आप जो इंस्टीट्यूट बता रहे हो वो सही में है कि नहीं है। तो ये काफ़ी सारे चीज़ है एंड ये टेबल में सारे चीज़ आ जाते हैं। सो आप ये टेबल को फॉलो कीजिए। तो नेक्स्ट, आपके पास क्या डिजिटल नॉलेज है या क्या कंप्यूटर नॉलेज है, तो मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ। अगर आपके पास और कोई एक्स्ट्रा कोई सॉफ्टवेयर का नॉलेज है या और आपको कोई डिजिटल चीज़ें पता है तो आप यहाँ पे इसको शो कर सकते हो। दैट गिव्स यू एक्स्ट्रा क्रेडिट। सो नाउ कम्स टू प्रोफेशनल स्किल्स, आपके पास वो जॉब के लिए सुइटेबल क्या क्या स्किल्स हैं। हम ऊपर भी कुछ स्किल्स लिखे थे बट उसको थोड़ा सा हम एलाबोरेट करके यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा अच्छे से इसको देखेंगे, जो स्किल्स मैं यहाँ पे लिखा हूँ वो जो वर्क एक्सपीरियंस और जो चीज़ मैं ऊपर लिखा हूँ वो कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई कर रहा है। तो बेस्ट वे स्किल्स लिखने का, या तो आप जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ और ऊपर इस चीज़ को सब जस्टिफाई कर रहा हूँ, तो रिक्रूटर जब पूछेगा कि आपको स्किल्स का कुछ प्रूफ दो तो आप वो चीज़ बोल सकते हो। या तो अगर आप ऊपर नहीं देखना चाहते हो तो इसके साइड में भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, कॉलेज में अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किए हो सो दैट विल जस्टिफाई व्हाट यू आर सेइंग। ओके, नेक्स्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या इंटरेस्ट। सो इफ़ यू हैव डन समथिंग एक्सटिंग, इफ हैव इंटरेस्ट इन ऑन स्पेसिफिक थिंग, तो ये सेगमेंट में आप उसको दिखा सकते हो। मैं ये सब चीज़ें कॉलेज में किया हूँ सो मैं इसको दिखा रहा हूँ। ओके, द लास्ट थिंग, आपके पर्सनल डिटेल्स। इसमें बहुत सारे आपको डिटेल में नहीं लिखना है बट जो बेसिक चीज़ है वही बस डालना है, लाइक योर डेट ऑफ बर्थ, योर एड्रेस, जेंडर, नेशनलिटी, लैंग्वेज, मैरिटल स्टेटस, ये सब को आपको दिखाना है। तो लास्ट में बस आपको डिक्लेरेशन डालना है। तो ये हो गया टोटल कंप्लीट एक वेल फॉर्मेटेड एंड वेल रिटन रिज्यूमे। इसको अभी मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने से पहले जो फाइल का नेम है वो भी काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि जब आप कोई रिक्रूटर को आपके रिज्यूमे भेजते हो तो वो फर्स्ट थिंग ही और सी विल सी योर रिज्यूम नेम एंड वहाँ से ही एटलीस्ट उनको आइडिया लगना चाहिए वो रिज्यूम क्यों है। उसमें आपके नेम एंड कौन सा जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो वो अगर वो लिखते हो तो रिक्रूटर को आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये जॉब के लिए रिज्यूम है, सो ही विल रिमेम्बर एटलीस्ट। ओके, फाइनली और एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूँ एंड इसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी अभी भी करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लेटर साइज छोटा है, कहीं लेटर साइज बड़ा है एंड ये लाइंस वगैरह सही नहीं है। और थर्ड, इसमें मेरा जो पेज साइज़ है वो 3 पेजेस है, तो मैं अभी 2 पेजेस में ही फिट करूँगा थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर। लेटर साइज वगैरह भी थोड़ा बहुत चेंजेस करना है।
फाइनली ये जो रिज्यूम आप देख रहे हो इट्स ए वेल फॉर्मेटेड इंफॉर्मेटिव वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेरी अट्रैक्टिव रिज्यूम है। इसको आप बहुत आसान है आप देख लिए, अगर आप एक बार में नहीं कर पाए तो पॉज कर करके आप खुद का भी रिज्यूम बना सकते हो। Now you must have a resume. If not, at least you have that basic idea how to make a resume. If you need any kind of help related to resume, then do contact me on this number. And do subscribe my channel to get more career related content. And do follow me on Instagram, Mahendra_Biswal_. And you can follow me on Facebook also on Mahendra Biswal. I have made a separate video on tips and tricks for an attractive resume. Do watch that video also. Until next time, bye bye and take care. And most important, do whatever moves you.